गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो देखिए, मैंने आपको कल एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 का पढ़ाया था। ओके, तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या था आपका? तो चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, 3 डिजिट्स के आपने देखे थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या था, किस तरीके से आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे। ओके, तो ये आपने मल्टीप्लाई किया था सारे नंबर्स को। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज नंबर आपकी 3.1 थी। 3.1 एक्सरसाइज में आपने क्या किया, ये क्वेश्चंस थे आपके, जैसे कि आपने लिया 286 मल्टीप्लाई बाई 125। ओके, इस तरीके से फिर आप क्या करते हैं, पहले नंबर का आप पूरे नंबर से करते हैं तो यहाँ लिखते हैं, फिर आप क्रॉस लगाते हैं, फिर सेकंड नंबर का आप पूरे नंबर से करते हैं फिर यहाँ लिखते हैं, फिर दो बार क्रॉस लगाते हैं और फर्स्ट नंबर का आप इससे करते हैं, फिर इन सबको आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके नंबर्स इसी तरीके से मैंने कराए थे। वर्ड प्रॉब्लम भी आपके इसी तरीके से हो गए थे। फिर आपने पढ़ा था डिवीज़न ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिवीज़न में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये पार्ट बताए थे, ये डिवाइज़र होता है, ये डिवाइडेंड होता है। ओके, डिवाइडेंड होता है और ये क्या होता है, आपका क्वेसेंट होता है। ठीक है, और जो आपका लास्ट में बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ओके, फिर मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि क्या होता है, कि आप क्या करते हैं डिवाइज़र, आप क्या करते हैं डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करते हैं क्वेसेंट से और प्लस आर रिमाइंडर करते हैं, तो आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है, डिवाइडेंड। ओके, क्या आ जाता है आपका, डिवाइडेंड आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये आपके नंबर्स हो जाते हैं। तो ये देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न था। फिर आपको वही सेम फिर था, 3.2 एक्सरसाइज में कुछ नहीं था, सिंपल से आपको डिवीज़न करना था और कुछ आपके देवनागरी स्क्रिप्ट में भी थे, फिर एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस थे आपके। ओके, तो ये आप सारी एक्सरसाइज को फिर से दोबारा करके आएंगे, रिवाइज करेंगे। जिस जिसने भी ये वर्क नहीं किया अभी तक वो सारे लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।